ऑस्ट्रेलियाई टीम को भारत दौरे पर 5 वनडे और 2 T20 मैचों की सीरीज खेलनी है। इससे पहले 15 फरवरी को टीम इंडिया के स्क्वाड का ऐलान होना है। आइए जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चयनकर्ता स्क्वाड में किन खिलाड़ियों को जगह दे सकते हैं। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी सीरीज में टीम का हिस्सा बनेंगे। इसके अलावा ओपनर बल्लेबाज केएल राहुल और तेज गेंदबाज उमेश यादव का भी कमबैक हो सकता है, जबकि रोहित शर्मा समेत मोहम्मद शमी को आराम दिए जाने की संभावना है। रोहित की गैर मौजूदगी में दूसरे ओपनर बल्लेबाज के रूप में शिखर धवन उपलब्ध रह सकते हैं। पिछले 8 मुकाबलों में धवन ने 34.71 की औसत से 243 रन बनाए हैं। वहीं रोहित शर्मा की जगह केएल राहुल की वापसी हो सकती है। हालांकि इस खिलाड़ी के पिछले 14 महीने काफ़ी खराब बीते हैं। नंबर 3 पर बल्लेबाजी के लिए कप्तान विराट कोहली ही चयनकर्ताओं की पहली पसंद होंगे। इसके अलावा अंबती रायडू को नंबर 4 और एमएस धोनी को नंबर 5 पर बल्लेबाजी की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। 6 और 7 नंबर के लिए दिनेश कार्तिक, केदार यादव और हार्दिक पांड्या पर सेलेक्टर्स की नज़रें होंगी, जबकि इन्हीं पोजीशन के लिए सेलेक्टर्स के सामने ऋषभ पंत और विजय शंकर जैसे युवा खिलाड़ियों के नाम भी होंगे। ऑलराउंडर के रूप में रविंद्र जडेजा एक बार फिर टीम के साथ जुड़ सकते हैं। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की लंबे समय के बाद टीम में वापसी हो सकती है, जबकि शमी को आराम दिया जा सकता है। वहीं भुवनेश्वर कुमार भी बुमराह के साथ स्क्वाड में शामिल हो सकते हैं। तीसरे पेसर के रूप में खलील अहमद और उमेश यादव में से किसी एक को मौका दिया जा सकता है। बात करें स्पिन डिपार्टमेंट की तो युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव की जोड़ी पर सेलेक्टर्स एक बार फिर से भरोसा दिखा सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है टीम इंडिया के इस सिलेक्शन के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आगे ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रिक आकाश को। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।